नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। सरकारें दिव्यांगों को हर सुविधा मुहैया कराने को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन अफसर सरकार की मंशा पर पानी फेर रहे हैं। पन्ना जिले में दिव्यांग लोगों को देने के लिए आई ट्राइसिकल कार्यालय में धूल भाग रही है, लेकिन विभाग ने साइकिलों को वितरित करना मुनासिब ही नहीं समझा। दिव्यांगजनों की सुविधाओं के लिए ट्राई साइकिल और बैटरी से चलने वाली साइकिलों का वितरण जनपद पंचायतों के माध्यम से किया है, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता के चलते ट्राई साइकिलें कबाड़ में तब्दील हो रही हैं। वीडियो में देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि अजयगढ़ जनपद पंचायत कार्यालय में रखी गई ट्राई साइकिलें सड़ रही हैं। दूसरी ओर दिव्यांगों के आवेदन कार्यालय में धूल पाक रहे हैं और दिव्यांग इन साइकिलों के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इस मामले में जिला पंचायत के अतिरिक्त सीईओ का कहना है कि जबलपुर की एमएलको कंपनी सर्वे करेगी और उसी के आधार पर ट्राई साइकिल और बैटरी वाली साइकिल का वितरण किया जाएगा। इसके साथ ही अतिरिक्त सीईओ अजयगढ़ जनपद पंचायत में बटने आई साइकिलों की जाँच करवाने की बात कह रहे हैं। ये एलएमकोर द्वारा प्रदान की गई थी ट्राई साइकिलें, तो जो आई थी वो व्यक्ति विशेष के नाम से आई थी, लेकिन मैं उसका दिखवाऊंगा कि क्यों व्यक्ति विशेष ने नहीं उनको प्रदान की गई है या किस कारण से रखी गई है, इसकी जांच करवा ली जाएगी। सर, सैकड़ों की संख्या में है, कहीं ना कहीं शासन को भी नुकसान होगा। जी, निश्चित रूप से उसको दिखवा के जाँच करवाएंगे। दिव्यांगों को मुफ्त में मिलने वाली ट्राई साइकिल कई महीनों से धूल पाक रही है। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि जब कंपनी ने व्यक्ति के नाम से इन ट्राई साइकिलों और बैटरी वाली साइकिलों को निकायों को दे दिया तो उनका वितरण क्यों नहीं किया गया और अब जिम्मेदार इस मामले में क्या एक्शन लेंगे। अनादि टीवी के लिए संदीप शुक्ला की रिपोर्ट।